रमजान आया और अगर आपने ये पिनव्हील समोसा की रेसिपी ट्राई नहीं की तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया। सो लेट्स मेक इट। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 2 कप मैदा डाला, नमक, कलवंजी और अजवाइन डाली और इसको मिक्स कर लिया। फिर 2 चम्मच ऑयल डाल के इसको मिक्स किया और हल्के हल्के पानी से इसका आटा गूंद लिया। इसको साइड पर रख देते हैं। अब मिक्सचर तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू के अंदर ऊपर दिए गए तमाम मसाले ऐड कर दिए, हरी मिर्च और धनिया ऐड किया, नींबू का जूस और इसको मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, 2 का पेड़ा ले लेना है, उसकी 1 रोटी बेल लेनी है। रोटी के अंदर आपने आलू का मसाला लगाना है। हर तरफ आलू का मसाला लगाने के बाद उसको इस तरह से रोल करना है जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। रोल टाइटली करना है ताकि आपका खुले ना, और करने के बाद आपने इसके पीसेस को कट करना है। कट करते हुए थोड़ा शेप का ध्यान रखिएगा, अगर आप ज़ोर से करेंगे तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। हल्के हल्के हाथों से इसको शेप देना है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगाएं, अगर आपके पास है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको फ्राई करें आप लो से मीडियम फ्लेम पर और आपका मज़ेदार से क्रिस्पी तैयार है।